रमो सिद्धाणं रमो आयरियाळं रमो वज्झायाळं रमो लोये सव्यसाहूलं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम श्रीवर्धमानमर्हन्तम् नस्त्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितिस्पष्टे सन्दर्भन्यायदीपिका महावीरं जिनं नत्वा बालानां सुखबुद्धये दीपिकाया विशेषाथा प्रकाशेन प्रकाश्यते। श्रीमदभिनव धर्मभूषण यति विरचित न्यायदीपिका ग्रंथ, इसमें प्रथम प्रकाश प्रमाण सामान्य प्रकाश पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें प्रथम प्रकाश में भी प्रकरण अपना चल रहा है प्रमाणस्य प्रामाण्यम् अर्थात प्रमाण की प्रमाणता। कल अपन ने प्रमाण की प्रमाणता पर चर्चा करने का प्रयास किया था। सबको ख्याल में तो लगभग आ ही गया होगा, थोड़ा सा सामान्य रिवीजन अपन एक बार करेंगे और उसके बाद विषय को आगे बढ़ाएंगे। प्रमाण की प्रमाणता, प्रमाण क्या है? प्रमाण ज्ञान की सामान्य सामग्री, उसका नाम है प्रमाण। और प्रमाण की प्रमाणता क्या है? ज्ञान विशेष सामग्री, वह है प्रमाण की प्रमाणता। माने एक है जानना, एक है जानना और जानने में सच्चाई पना, सच्चापना, ठीक है, सच्चापन कहो, सच्चापना कहो, तो उसका नाम है प्रामाण्यम अर्थात प्रमाणता। जानना है प्रमाण और जानने में जो सच्चापन है उसका नाम है प्रमाणता। ठीक है नमन, जब से नीचे ही देख रहे, क्या देख रहे हो? नीचे तो हमने पढ़े नहीं अभी तक, 10 मिनट से शोक सभासी बैठे हो। जब पढ़े तो वहां पढ़ो, जब बोले तो सुनो। तो प्रमाण की प्रमाणता ये हो गई चर्चा। कल अपन ने इसमें देखा था, एक बार अपन फिर से इसमें पढ़ के देख लेते हैं, किमिदं प्रमाणस्य प्रामाण्यम नाम, कि यह प्रमाण की प्रमाणता क्या चीज है, प्रमाण की प्रमाणता क्या है? प्रतिभात विषयाव्यभिचारित्वम, कि जाने हुए विषय में व्यभिचार नहीं होना, दोष नहीं होना, उसका नाम है प्रमाण की प्रमाणता। तस्य उत्पत्ति कथम, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? स्वतः एव इति मीमांसका, मीमांसक कहते हैं उसकी उत्पत्ति स्वतः होती है। प्रामाण्यस्य स्वतः उत्पत्ति इति, ज्ञान सामान्य सामग्री मात्र जन्यत्वम इत्यर्थ। कहते हैं प्रामाण्यस्य, जो प्रमाणता की उत्पत्ति है उसमें ज्ञान सामान्य सामग्री ही आवश्यक है, उस ज्ञान सामान्य सामग्री से ही काम हो जाता है। क्या क्या काम हो जाता है? प्रमाण भी हो जाता है और उससे प्रमाण की प्रमाणता भी हो जाती है।
तो एक से ही दोनों काम हो गए ना, प्रमाण भी हो गया और उसकी प्रमाणता भी हो गई। किससे हो गई? ज्ञान सामान्य सामग्री से, ठीक है, ये वाली ज्ञान सामान्य सामग्री और ये वाली ज्ञान विशेष सामग्री। तो ऐसा कौन कहता है? मीमांसा कहते हैं। तदुक्तम, उनके ग्रंथ में कहा भी है, ज्ञानोत्पादक हेतु अनतिरिक्त जन्यत्वम उत्पत्तौ स्वतत्वम, कि ज्ञानोत्पादक हेतु के अनतिरिक्त, जो ज्ञान उत्पादक हेतु है इसके अनतिरिक्त, माने इससे अन्य कोई दूसरा कारण नहीं है, इससे ही प्रमाण होगा और इससे ही प्रमाणता होगी, ऐसा उन्होंने कहा। तो उत्तर क्या दिया? ना ते मीमांसका, वे मीमांसक नहीं है, सच्चा निर्णय नहीं करते, उनको सही जानकारी नहीं है, इसलिए वो मीमांसक नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान सामान्य सामग्र्या संशयादौ अपि ज्ञान विशेषे सत्वात्, कि ज्ञान सामान्य सामग्री का संशयादौ अपि, संशयादि में भी ज्ञान विशेषे माने मिथ्या ज्ञान, जो संशयादि मिथ्या ज्ञान है, संशय विपर्यय और अनध्यवसाय, ये तीनों कौन से ज्ञान हैं? कौन से ज्ञान हैं? कुछ सूंघ जाता है क्या? जोर से बोला करो, सोने वालों के लिए स्थान नहीं है, ठीक है, हाथ हटाओ। जो सोता हुआ पाया गया वो खो देगा बहुत कुछ। जागरूक प्रसन्न चित्त, रोते घिसते पिसते भी नहीं, घिसने पिसने वालों का भी काम नहीं, ठीक है, बार बार नहीं कहूंगा क्योंकि ये आप लोग ही बस नहीं सुनने वाले, ये कहाँ कहाँ सुनते हैं लोग आप लोगों को नहीं पता, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा बीच में बोलूंगा नहीं, टोकूंगा नहीं, समझ जाना। क्या बोले? कि ज्ञान सामान्य सामग्री किसमें है? संशयादि ज्ञान विशेषे, माने संशय विपर्यय अनद्वसाय, ये तीनों मिथ्या ज्ञान हैं, इन तीनों मिथ्या ज्ञानों में भी पाई जाती है। अब थोड़ा सा अपन ट्रैक बदलते हैं, एक बार कल का 2 मिनट में और अपन देख लें, अपन क्या मानते हैं? ये क्या है? प्रमाण। और ये क्या है? प्रमाणता। प्रमाण प्रमाणता, प्रमाण के लिए क्या चाहिए? ज्ञान सामान्य सामग्री, और प्रमाणता के लिए ज्ञान विशेष सामग्री। इनको अपन ने 2 नाम और दिए थे, क्षणिक उपादान, क्षणिक उपादान रूप ज्ञान सामान्य सामग्री और क्षणिक उपादान रूप ज्ञान विशेष सामग्री। तो क्षणिक उपादान रूप ज्ञान सामान्य सामग्री से क्या होगा? प्रमाण। और क्षणिक उपादान रूप ज्ञान की विशेष सामग्री से प्रमाणता होगी, है ना? तो प्रमाण की प्रमाणता स्वतः हुई के परता हुई? परता कैसे समझ में आया? क्योंकि ज्ञान सामान्य सामग्री से तो क्या हुआ? प्रमाण। और फिर प्रमाणता के लिए किसकी जरूरत पड़ी? विशेष सामग्री की, इसलिए अन्य सामग्री की जरूरत पड़ी ना, अन्य माने दूसरी, तो दूसरी सामग्री की जरूरत पड़ी, इसका मतलब ही परता कहलाई। परता का मतलब किसी दूसरे से नहीं, दूसरे ने सहयोग किया वो नहीं, दूसरे ने बताया वो नहीं, पर निमित्त से नहीं, पर पदार्थों से नहीं, पर का मतलब है यहां ज्ञान विशेष सामग्री, ठीक है, पर का मतलब, हाँ, पर माने ही लेना, पर माने दूसरी वस्तु नहीं है यहां पर। ज्ञान सामान्य सामग्री उस स्वा हो गई, स्वा हो गई, और उसमें जो क्षणिक उपादान रूप नई ज्ञान पर्याय उत्पन्न हुई, अगली क्षणिक उपादान रूप विशेष सामग्री, वह कहलाती है पर, माने दूसरी। तो
उससे क्या होती है प्रमाणता। तो प्रमाण की प्रमाणता कैसे हुई, परता हुई, ठीक है। तो अब यहां पर कह रहे हैं जो मीमांसकों ने कहा, मीमांसकों ने क्या कहा कि प्रमाण की प्रमाणता स्वतः होती है। तो यहां पर कहा कि ज्ञान सामान्य सामग्री, ये जो ज्ञान सामान्य सामग्री है यह संशय आदि मिथ्या ज्ञानों में भी पाई जाती है। ये ज्ञान सामान्य सामग्री है किसमें पाई जाती है, संशय आदि मिथ्या ज्ञानों में भी पाई जाती है, मिथ्या ज्ञानों में भी पाई जाती है। इसका मतलब किन में भी पाई जाती है, सम्यक ज्ञान में भी पाई जाती है। अब यहां अभी जो दो उंगलियां थी, अभी अपन यहां पर क्या रख रहे थे, प्रमाण और प्रमाणता। अब थोड़ा बदल दो इनको, एक है मिथ्या ज्ञान, दूसरा है सम्यक ज्ञान। ये है मिथ्या ज्ञान, दूसरा है सम्यक ज्ञान। मिथ्या ज्ञान क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या है वो तो हटा दो, संशय आदि। हाँ ये बिल्कुल, मिथ्या ज्ञान क्या है, संशय आदि, संशय विपर्याय अनादवसाय, ये है मिथ्या ज्ञान, ठीक। और ये दूसरा क्या है, सम्यक ज्ञान। तो यहां पर अब यहां पर क्या कहा कि ज्ञान सामान्य सामग्री संशय आदि में भी है। ये जो पहले नंबर की ज्ञान सामान्य सामग्री किसमें है, संशय आदि में भी है और सम्यक ज्ञान आदि में भी है, दोनों में है, दोनों में ही है। यदि ज्ञान सामान्य सामग्रिया संशयादौ अपि ज्ञान विशेषे सत्वात् वयम तु ब्रूमहे। वयम माने हम, वयम माने हम सब, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब। शॉर्ट में हम भी कह दें तो उसमें हम में हम सब आ गए, लेकिन यहां हम का मतलब कौन, हम माने जैन, हम माने जो जैन धर्म का पालन करते हैं, जैन दर्शन को मानते हैं। यहां उसके लिए कहा है वयम, जो अजैन हो उनकी बात नहीं कर रहे, किसकी, वयम। वयम तु ब्रूमहे, हम तो ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्ञान सामान्य सामग्र्यः साम्येपि। ज्ञान सामान्य सामग्री किसमें है, साम्येपि माने सामने वाले में भी है, समान वाले में भी, माने इसमें संशयादिक में भी है ज्ञान सामान्य सामग्री और सम्यक ज्ञान में भी ज्ञान सामान्य सामग्री, दोनों में है। तो दोनों में ज्ञान सामान्य सामग्री है, तो दोनों एक हुए कि अलग अलग हैं, अलग अलग, अलग अलग क्यों हुए, जब दोनों में ज्ञान सामान्य सामग्री एक जैसी है तो ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों एक ही होना चाहिए ना। एक होना चाहिए, लेकिन एक नहीं है बल्कि दो हैं, ये मिथ्या ज्ञान है और ये सम्यक ज्ञान है, तो दो अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि उनमें दोनों में ज्ञान सामान्य सामग्री तो एक ही है, तो फिर ये मिथ्या ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान, ये मिथ्या ज्ञान और ये सम्यक ज्ञान, ऐसा भेद किस कारण से पड़ा, ज्ञान सामान्य सामग्री से पड़ा क्या? अच्छे से समझने की कोशिश करना, कठिन नहीं है, फिर से बोलता हूं, ये नीला वस्त्र, ये नीला वस्त्र और ये काला वस्त्र, नीला काला, नीला काला, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन वस्त्र, ठीक है, वस्त्र कॉमन है। तो मुझे बताओ कि दोनों में वस्त्र कॉमन है तो ये नीला हो गया, ये काला हो गया, तो कैसे हो गया, रंग से हो गया।
तो इसके लिए कौन सा रंग लगा? नीला। और इसके लिए कौन सा रंग लगा? काला। मतलब दोनों को कपड़ा तो दोनों में एक ही ऐसा है, कपड़ा तो दोनों में एक ही है, कलर अलग अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों में कपड़ा एक होते हुए भी उनमें जो रंग जो बदला, तो रंग जो बदला उसके लिए कुछ नई चीज लगी के उससे ही कपड़े से हो गया काम। इसके लिए कलर लगा नीले कलर का तो ये नीला हो गया, और इसके लिए लगा काला कलर तो ये काला हो गया, है ना। तो वस्त्र तो दोनों एक ही है, लेकिन इसको नीला करने के लिए, इसको काला करने के लिए, अथवा इसको पीला करने के लिए, इसको लाल करने के लिए, इसमें अलग रंग लगा और इसमें अलग रंग लगा, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? फिर से समझना अच्छे से, बहुत धैर्य से, आराम से, एक घंटा है अपने पास, बिल्कुल पूरा बैठ जाना चाहिए, ठीक है। दोबारा वरिष्ठ नहीं पढ़ना पड़े किसी, ध्यान रखना। वस्त्र जो है, कपड़ा जो है, दोनों का दोनों में कॉमन है, ठीक है। दोनों में वस्त्र कैसा है? कॉमन है। लेकिन एक हुआ नीला और एक हुआ काला हुआ, तो ये जो नीलापन जो आया इसके लिए कोई अलग चीज सामग्री लगी कि वो वस्त्र ने ही कर दिया नीला और इसी वस्त्र ने कर दिया काला? वस्त्र ही ऑटोमेटिक एक नीला हो गया एक काला हो गया, ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो कुछ एक्स्ट्रा लगा ना नयापन, इसको नीला करने के लिए नीला रंग लगा और इसको काला करने के लिए काला रंग लगा, तो एक अलग अलग सामग्री लगी कि नहीं लगी? लगी ना। इसका मतलब इसको नीला करने के लिए जब अलग सामग्री चाहिए, इसको काला करने के लिए अलग सामग्री चाहिए, इससे सिद्ध हुआ कि ये जो था ना मिथ्या ज्ञान और ये सम्यक ज्ञान, तो मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान दोनों में ज्ञान सामान्य सामग्री तो एक है। क्या है ज्ञान सामान्य सामग्री? तो एक है, लेकिन इन दोनों में, क्योंकि मिथ्या ज्ञान में भी जाना और सम्यक ज्ञान में भी जाना, जाना इसमें भी है, जाना इसमें भी है, माने जानना इसमें भी है और जानना इसमें भी है, लेकिन इसमें मिथ्या जानना जो हुआ और इसमें सम्यक जानना जो हुआ, तो इसमें दोनों के लिए अलग अलग कारण लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो क्या क्या लगेगा? काला रंग लगा रहे हो तुम उसमें, अभी कपड़े की बात नहीं चल रही है। इसमें क्या लगेगा? सामान्य सामग्री तो दोनों में पहले ही से है, अब इन दोनों में क्या लगेगा? विशेष सामग्री काम में आएगी कि नहीं आएगी? इसमें भी विशेष सामग्री काम में आएगी और इसमें भी विशेष सामग्री काम में आएगी। इसमें विशेष सामग्री गड़बड़ वाली लग गई, ठीक है, इसलिए क्या हो गए? मिथ्या ज्ञान हो गए। और इसमें लग गई विशेष सामग्री अच्छी क्वालिटी की, तो ये क्या हो गया? सम्यक ज्ञान। लेकिन दोनों में अलग अलग वाली चीजें लगी कि नहीं लगी? लगी ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार फिर से ये कौन सा रंग है? नीला। अरे यार तुम लोग तो, ये कौन सा रंग है? नीला। और ये कौन सा रंग है? पीला। ठीक है, नीला पीला कागज भी संयोग से साथ में है, ये नीला और ये पीला। इसमें कॉमन क्या है? कागज। कागज क्या है? कॉमन है, ठीक है। इसको नीला करने के लिए कुछ लगा के नहीं लगा? लगा। एक्स्ट्रा चीज लगी कि वो ऑटोमेटिक नीला है? एक्स्ट्रा चीज लगी। और ये जो पीला कागज है, इस पीले कागज में वो पीला ऑटोमेटिक हो गया कि कुछ और ऊपर से लगा? क्या लगा? पीला रंग लगा। इसका मतलब
इसमें जो सामग्री, एक सामग्री तो कॉमन है कागज, और दूसरी सामग्री नीला करने के लिए अलग सामग्री, पीला करने के लिए अलग सामग्री। तो ये जो नीला और पीला वाली जो सामग्री है इसको हम क्या कहेंगे, और जो कॉमन वाली सामग्री है उसको क्या कहेंगे? कॉमन वाली सामग्री कहेंगे सामान्य सामग्री, कॉमन वाली सामग्री को सामान्य सामग्री, और जो स्पेशल जो विशेष हुए कलर्ड, इसमें कौन सी सामग्री? विशेष सामग्री। ठीक है, अब इस नीले को समझना मिथ्या ज्ञान, क्या समझना, और ये पीले को समझना सम्यक ज्ञान। ठीक है, इन दोनों में ज्ञान कॉमन है। क्या कॉमन है? ज्ञान तो कॉमन है, जानना तो दोनों में ही कॉमन है, लेकिन जानने में ये जो नीला जानने में आया अथवा जो मिथ्या ज्ञान हुआ, यह मिथ्या ज्ञान हुआ तो इसमें कौन सी सामग्री एक्स्ट्रा लगी? कौन सी वाली? विशेष सामग्री। कौन सी सामग्री? वो ऐसी वाली विशेष सामग्री लगी कि उसने उल्टा ज्ञान कराया, संशय विपर्यय अनद्वसाय। गड़बड़ वाली सामग्री लगी तो ज्ञान कैसा हो गया? गड़बड़ हो गया, मिथ्या हो गया। और जो विशेष सामग्री इसमें भी लगी, इसमें विशेष सामग्री कैसी वाली लगी? अच्छी वाली लगी, अच्छा मटेरियल लगा, तो इसलिए कैसा हो गया? सम्यक ज्ञान हो गया। अच्छा ये मुझे बताना, ये जो मिथ्या ज्ञान हुआ ये स्वतः हुआ के परता कैसा हुआ? कैसे हुआ? परता हुआ, स्वतः कैसे हो गया? विशेष सामग्री लगी ना, विशेष सामग्री लगी तो परता। और ये जो सम्यक ज्ञान हुआ इसमें भी विशेष सामग्री लगी, तो इसका जो ज्ञान हुआ सम्यक ज्ञान ये कैसा हुआ? परता हुआ के स्वतः, ये भी परता हुआ। इसका मतलब एक बात सिद्ध हुई कि दोनों में जो कॉमन ज्ञान था वह तो है ज्ञान प्रमाण। ज्ञान क्या है? और एक में तो ही अप्रामाण्यता और एक में हुई प्रमाणता। तो अप्रमाणता भी कैसे हुई? परता हुई। अप्रमाणता भी कैसे हुई? परता हुई। और प्रमाणता भी कैसे हुई? परता हुई। परता क्यों हुई? कि दोनों में विशेष सामग्री, दोनों में विशेष विशेष सामग्री लगी। ठीक है, दोनों में विशेष विशेष सामग्री लगी, इसलिए अप्रमाणता की उत्पत्ति भी परता होती है और प्रमाणता की उत्पत्ति भी परता ही होती है। समझ में आ गया थोड़ा कुछ के नहीं आ गया? थोड़ा आ गया के पूरा आ गया है ना, इतना है बस इसमें। ठीक है, ये बात एकदम पूरा पक्का करना है आज, ऐसा हो जाए एकदम ठोस दृढ़, मजा आ जाए। ठीक है, पर थोड़ा सा इसमें से जितना लगेगा आवश्यक होगा अथवा जितना निकल सकेगा थोड़ा अपन अध्यात्म भी निकालेंगे। ठीक है, पहले लेकिन ये पहले मूल विषय का इसको पक्का कर लेते हैं। ठीक है, अब पढ़ता हूं मैं, अब पढ़ूंगा तो ऑटोमेटिक समझ में आना चाहिए। ये तो निर्णय हो गया ना, प्रमाण की प्रमाणता परता और अप्रमाणता भी परता, ये बात तो हो गई पक्की। ये कौन कहता है? कौन कहते हैं? जैन कहते हैं। मीमांसकों की तो हो गई छुट्टी, मीमांसक ने तो क्या माना था? स्वतः माना, लेकिन स्वतः तो होते नहीं ना काम, क्योंकि स्वतः जो ज्ञान सामान्य सामग्री है वह तो ज्ञान वश कराएगी, मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान में कारण नहीं बनती। माने जो क्षणिक उपादान रूप ज्ञान सामान्य सामग्री है वह तो मात्र ज्ञान में कारण है, मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान में कारण नहीं है। लेकिन जो ज्ञान विशेष सामग्री है, कौन सी? क्षणिक उपादान रूप ज्ञान विशेष सामग्री है, वह मिथ्या ज्ञान में भी कारण है और सम्यक ज्ञान में भी कारण है। यदि मिथ्या रूप से
निर्णय करे तो मिथ्या ज्ञान हो जाए और सम्यक रूप से निर्णय करे तो सम्यक ज्ञान हो जाए। इसलिए चाहे प्रमाणता हो चाहे अप्रमाणता हो, दोनों की कैसे होती है, परता ही होती है। हो गया, अब देखो अब पढ़ेंगे, अब कुछ नहीं बचा। वयम तु ब्रूमहे, हम तो कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्ञान सामान्य सामग्र्या साम्येपि, ज्ञान सामान्य सामग्री साम्य, साम्य माने जो अपने समक्ष है, साम्येपि संशयादि अप्रमाणम। ज्ञान सामान्य सामग्री तो दोनों में है, किसमें, मिथ्या ज्ञान और सम्य ज्ञान दोनों में है। ऐसा होने पर भी संशयादि अप्रमाणम, जो संशयादि है वो कैसे हैं, अप्रमाण है। सम्य ज्ञानम प्रमाणम इति, और जो सम्य ज्ञान है वह प्रमाण है। ज्ञान सामान्य सामग्री तो दोनों में है, लेकिन ऐसा ज्ञान सामान्य सामग्री दोनों में कॉमन होने पर भी संशयादि ज्ञान अप्रमाण है और सम्य ज्ञान प्रमाण है। ऐसा कैसे हुआ, कहते सम्य ज्ञान प्रमाण है, इति विभाग तावत अनिबंधनो न भवति। ऐसा जो दोनों में विभाग हुआ, ये मिथ्या ज्ञान और ये सम्य ज्ञान, ये नीला और ये पीला, ये जो नीला हुआ और पीला हुआ, जो मिथ्या ज्ञान हुआ और सम्य ज्ञान हुआ, यह कोई ऐसा जो विभाग हुआ, दोनों में विभाजन हुआ, ये कोई अकारण नहीं हो गया। क्या बोले, यह कोई अकारण नहीं हो गया कि ऑटोमेटिक यही ज्ञान सामान्य था वो नीले में बदल गया और वही ज्ञान सामान्य पीले में बदल गया। वही कपड़ा जो दोनों सफेद थे, पहले कैसे थे, दोनों ही सफेद थे। अब ये जो सफेद था ये ऑटोमेटिक नीला हो गया और ये सफेद ऑटोमेटिक पीला हो गया, ऐसा होता है कभी? तो नीला और पीला करने के लिए कुछ चाहिए ना, दूसरी चीज है, क्या चाहिए, रंग चाहिए। क्या चाहिए, रंग चाहिए। इसको नीला करने के लिए नीला रंग चाहिए और इसको पीला करने के लिए पीला रंग चाहिए। तो यहां पर कहा कि ज्ञान सामान्य सामग्री साम्य भी माने दोनों में है तो भी संशयादि अप्रमाणम, संशयादि अप्रमाणम और सम्य ज्ञानम प्रमाणम, और सम्य ज्ञान प्रमाण है। इति विभाग, ऐसा जो विभाग है दोनों में, इसमें ये मिथ्या ज्ञान और ये सम्य ज्ञान, इति विभाग तावत अनिबंधनो न भवति, बिना कारण के नहीं होता। यह जो विभाग हुआ इनमें कुछ ना कुछ कारण तो अवश्य है। सभी विद्यार्थी बैठे हैं, ठीक है, तो इन सब में कॉमन क्या है, विद्यार्थी। लेकिन कोई कनिष्ठ में है, कोई वरिष्ठ में है, कोई फर्स्ट ईयर, कोई सेकंड ईयर, कोई थर्ड ईयर। तो ये जो विभाग पैदा हुआ कि ये कनिष्ठ, ये वरिष्ठ, ये फर्स्ट ईयर, ये जो विभाग हुआ वो अपने आप हो गया क्या, कि एडमिशन लो ऑटोमेटिक कनिष्ठ, ऑटोमेटिक वरिष्ठ, ऑटोमेटिक फर्स्ट ईयर, ऐसे ही हो जाते हैं क्या? तो फिर यही क्यों कनिष्ठ, ये फाइनल में होना चाहिए ना, ऑटोमेटिक हो जाए, क्यों हुआ ऐसा? हाँ, तो देखो, छात्र होना, छात्र सामान्य सामग्री, विद्यार्थी सामान्य सामग्री तो सभी में है, सभी में है। लेकिन एक कनिष्ठ, वरिष्ठ, फर्स्ट ईयर आदि, ये जो विभाग हुआ वो अकारण हो गया कि उसके पीछे कोई ना कोई कारण है? क्या कारण है, कोई विशेष कारण है, कोई विशेष कारण है, क्या विशेष? कि हाँ, जो पहले आ गए कनिष्ठों ने मेहनत की, पढ़ाई की, पास कर ली, मार्कशीट मिल गई, सर्टिफिकेट मिल गया, वरिष्ठ में आ गए। फ्री फोकट में थोड़ी आ गए वरिष्ठ में, साल भर मेहनत की है, 35 दूनी 70 किलोमीटर रोज गए हैं,
तब वरिष्ठ में आए हैं, किया कि नहीं की मेहनत, 70 किलोमीटर बस चलने से नहीं आए हैं ना, ऐसे तो कोई लोग भी चलते हैं, लेकिन उतना चल के पढ़ाई भी की, मेहनत की, फिर परीक्षा दी, रिजल्ट आया, तब वो वरिष्ठ में आए। माने सामान्य छात्र मात्र पने से वो वरिष्ठ में नहीं आए हैं, उसमें विशेष पुरुषार्थ करना पड़ा, तब वो वरिष्ठ में आए हैं। ऐसा हुआ क्या? नहीं। और जो फेल हो गए उसमें क्या विशेष है? उसमें सामान्य है कि उसमें भी कुछ विशेष है? उसमें भी विशेष है। जो पास हुए उसमें भी विशेष, और जो फेल हुए उसमें भी विशेष। जिन्होंने पढ़ाई की वो पास हो गए, जिन्होंने पढ़ाई वाला काम नहीं किया ये भी तो विशेष है। सोते रहे, टाइम पास किया, खाओ पियो मौज करो, क्या रखा है? कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई पढ़ाई करके वो एक कागज के पीछे जिंदगी खराब कर देते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एक वो छोटा सा टुकड़ा ये ले लो, हमसे ले लो 10-20 कागज, कितने चाहिए? नहीं, वो एक कागज वहां से स्कूल से मिलेगा लास्ट में, जिस पे मेरा नाम लिखा होगा, हम यहां लिख दे रहे, नहीं वहां नंबर भी लिखे होंगे, यहां लिख दे रहे अभी के अभी, कितने नंबर? वहां तुम पता नहीं कितनी मेहनत करोगे और वो 100 में से 60-70 मिल जाए धोखे से, यहां कितने चाहिए बोलो? 100 में से 100 ही दे दे रहे, और ज्यादा चाहिए? और ज्यादा दे दे रहे, बोलो, सब दे दे रहे। लेकिन वो कागज के चक्कर में जिंदगी खराब कर देते हैं, पूरी जिंदगी चली जाती है, क्या गजब है। कभी कभी ऐसा चिंतन चलता रहता है, सोचते हैं वो एक सर्टिफिकेट, जबकि हो सकता है कि वो सर्टिफिकेट कचरे के डब्बे में पड़ा रहेगा जिंदगी भर, कोई काम में नहीं आएगा। जैसे मेरे तो जितने सारे ढेरों सर्टिफिकेट हैं कचरे के डब्बे में पड़े हैं, कहाँ कोई काम में आ रहे, ना हमारी बीएड काम में आ रही, चार चार एमए कर डाली कोई काम की नहीं, नेट कर ली 3-3 बार कोई काम की नहीं, पीएचडी कर ली कोई काम की नहीं, कोई काम की नहीं माने उनका हमने कोई कोई यूज ही नहीं किया, जो जिसके लिए अपन करते ना ये डिग्रियां, कि इससे बाहर गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, कहीं उधर कॉलेज में चले जाएंगे, यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, तो उसके लिए मान लो ये डिग्रियां इकट्ठी की तो कचरे में गई, कोई काम की नहीं, पड़ी हैं, देखी भी नहीं, कहो सालों से ऐसी पड़ी हैं कहीं, क्या काम की? लेकिन उन कागज के उन टुकड़ों के लिए अपन कैसी जिंदगी ऐसे ही खराब कर देते हैं। एक एक साल लगातार कितनी मेहनत, माने 70-70 किलोमीटर रोज चलना, और उसमें भी दच के धड़ाम धड़ुम, फिर पेट दर्द, सिर दर्द, उल्टियां, फिर उधर ज्यादा कुछ गड़बड़ किया तो संजय जी का एक पड़ा धड़ाक धड़ाम है, माने क्या गजब। इतने पिट पिट के, रो रो के, बहाने कर करके और इतनी मेहनत कर करके अंत में रिजल्ट क्या मिला? एक कागज का टुकड़ा, क्या काम का, गजब है। मैंने अपन सोचे वास्तव में यदि धार्मिक दृष्टि से, जिसको वास्तव में ऐसा लगे कि वास्तव में धर्म ही करने योग्य है, बाकी तो एक क्या दम है, तो उसको तो कागज का टुकड़ा ही लगे, वो ऐसा लगे कि कागज का टुकड़ा है, इसके लिए हमने इतना समय खराब कर दिया, इतनी मेहनत यदि स्वाध्याय में लगाई होती, आत्मचिंतन में लगाया होता, आत्म कल्याण में इतनी मेहनत की होती, तो सम्यक दर्शन तो ऐसा चुटकियों में हो जाता। लेकिन कहाँ लगे हैं, लाइन से लगे हैं, और पता चला कि वे सारे कागज पड़े। कई बार तो क्या होता है, अपन सब इकट्ठे करते हैं फाइल में, और कभी धोखे से इधर उधर जा रहे हो ट्रेन में या कहीं पर रास्ते में, सब गिर गए, वो ऐसी जगह गिरे कि मिले ही नहीं दोबारा। अब कोई कहे हम तो डुप्लीकेट निकलवा लेंगे इधर से उधर से, अरे फिर उसमें भी भारी मेहनत, टाइम, समस्या ही है।
माने क्या है, वो कागज के लिए सारी मेहनत और वो नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए, तो कुछ नहीं बचा। बात तो हमें ये करना है, खैर होने को, वो भी एकदम परम सत्य है जो बात चल रही है, लेकिन अभी बात ये करना है कि जो कनिष्ठ से वरिष्ठ में आया उसने भी पुरुषार्थ किया। विशेष सामान्य तो सभी थे कनिष्ठ में, लेकिन विशेष किया वरिष्ठ में आया, और जिसने ऐसा विशेष किया कि पेपर में रोल नंबर डाल के आ गया बस, और कई बार तो वो भी नहीं डाला, अरे कौन डाले यार रोल नंबर, है ना, इतनी भी मेहनत क्यों करो, फेल होना ही है, फेल होना ही, रोल नंबर डालना, इतनी मेहनत भी क्यों करें, इंसल्ट और हो जाएगी, कैसी इंसल्ट, कि रिजल्ट आएगा फेल, रोल नंबर ही मत डालो तो रिजल्ट ही नहीं आएगा, झंझट खत्म, कहेंगे रिजल्ट रिजल्ट रुक गया होगा, क्या पता इसलिए कि मेरिट मेरिट में नाम आ रहा होगा इसलिए रुक गया होगा, है? और रिजल्ट आ गया तो क्या नुकसान ही है, अरे फेल क्या मतलब ठीक है ना। तो इससे बात इतनी निर्णीत तो हो गई कि कोई भी विशेष जो मिला उसमें कुछ ना कुछ विशेष करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ विशेष। तो यहां कहा था ज्ञान सामान्य सामग्री मिथ्या ज्ञान में भी है और सम्यक ज्ञान में भी है, लेकिन यह मिथ्या ज्ञान कैसे हुआ, सामान्य सामग्री से हुआ कि विशेष सामग्री से, विशेष सामग्री से, और जो सम्यक ज्ञान हुआ वो किससे, वही विशेष सामग्री से। तो विशेष सामग्री से यह भी हुआ तो अप्रमाणता भी परता और प्रमाणता भी परता, ठीक है, परता माने विशेष सामग्री से, परता का यहां पक्का करना, क्योंकि परता मतलब लोग ऐसा मान लेते हैं, परता माने दूसरे के कारण से, दूसरे के कारण नहीं, जो अपनी ही ज्ञान सामान्य सामग्री थी वह है स्वतः, और ज्ञान सामान्य सामग्री से जो ज्ञान विशेष सामग्री हुई वह विशेष सामग्री कहलाती है परता। तो कहते हैं ऐसा विभाग बिना कारण के नहीं हो गया, ये मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान का विभाग, दोनों में कोई ना कोई कारण अवश्य है। ततः संशयादौ यथा हेत्वांतरम अप्रामाण्ये दोषादिकम अंगीक्रियते तथा प्रमाणे भी प्रामाण्य निबंधनम अन्यत अवश्यम अभ्युपगंतव्यम अन्यथा प्रमाण प्रमाण विभागानुपपत्ते। ठीक है, क्या बोला छोटू, तुम तो पढ़ चुके ना ये सारे, कितने नंबर मिले थे आदि का में, 80, 82, हमें नहीं मिले होंगे चाहे, क्या बोले, 80 छोड़ छोड़ चल चल ठीक है, क्या बोले इधर, ततः संशयादौ यथा हेत्वांतरम संशयाद, यथा मान तथा माने इससे सिद्ध हुआ संशयादौ यथा, संशयादि में जैसे, संशयादि माने संशय में, विपर्याय में, अनदवसा में, मिथ्या ज्ञानों में जैसे हेत्वांतरम, हेत्वांतरम माने अन्य हेतु, अन्य हेतु, हेतु अंतरम माने अन्य हेतु, ज्ञान सामान्य सामग्री हेतु और ज्ञान विशेष सामग्री अन्य हेतु माने हेत्वांतर। कहते हैं जैसे संशय आदि में हेत्वांतरम अप्रामाण्य, उसकी अप्रमाणता में, मिथ्या ज्ञान में दोषादिकम अंगीक्रियते, जो विशेष सामग्री में जो दोषादिक लगे, जो गड़बड़ काम किया, गड़बड़ जाना, गलत पुरुषार्थ किया, उससे कौन सा ज्ञान हो गया, मिथ्या ज्ञान, तो दोषादिक अंगीक्रियते, इस मिथ्या ज्ञान में जो दोषादिक अंगीक्रियते
कहते हैं दो साधक स्वीकार किए जाते हैं, मिथ्या ज्ञान हुआ उसमें कारण क्या हुआ, दो साधक या गलत पुरुषार्थ, मिथ्या पुरुषार्थ, दो साधक अंगीक्रियते तथा प्रमाणेपि। और जो सम्यक ज्ञान हुआ उसमें प्रामाण्य निबंधनम अन्यत अवश्यम अभ्युपगंतव्यम, कि जो प्रमाण की प्रमाणता है उसमें भी अन्य कोई दूसरा कारण ही स्वीकार करना चाहिए। जैसे मिथ्या ज्ञान में दूसरा कोई कारण है, ऐसे ही सम्यक ज्ञान में भी दूसरा कोई कारण है। ठीक है, इसमें भी जो दूसरा कारण है वह परता हुआ, और सम्यक ज्ञान में भी जो दूसरा कारण है वह भी परता हुआ, क्योंकि दूसरा है, दूसरा ही माने परता, और दूसरे का मतलब विशेष सामग्री। ठीक है, ज्ञान विशेष सामग्री, क्षणिक उपादान रूप विशेष सामग्री, अथवा अनंतरोत्तर क्षणवर्ती पर्याय, अगले क्षण में जो विशेष हुई ना वो वाली पर्याय। कहते अन्यथा प्रमाण अप्रमाण विभागानुपत्ति, अन्यथा प्रमाण और अप्रमाण के विभाग की उत्पत्ति ही नहीं होती, कि यह प्रमाण है और यह अप्रमाण है, पता ही नहीं चलता। तो ये प्रमाण है और यह अप्रमाण है कैसे पता चला, सामान्य सामग्री से कि विशेष सामग्री से? फिर से एक बार पूछता हूं, यह प्रमाण है और यह अप्रमाण है, इसकी पहचान सामान्य सामग्री से हुई कि विशेष सामग्री से? विशेष सामग्री। सामान्य सामग्री तो दोनों में कॉमन है, उससे तो कुछ पहचान होती नहीं। जैसे छात्र को बुलाओ, ठीक है, फ्रेंड से कहा पांच छात्र को बुलाओ, अब कौन से छात्र को बुलाएं, कौन से पांच, क्योंकि छात्रपना ये तो सभी में कॉमन है, तो उससे किसी खास की पहचान होगी क्या? नहीं होगी। तो उसके लिए विशेष सामग्री लगेगी, कौन सी, उनके नाम बताओ, ठीक है, लक्षण बताओ, माने डिटेल में जाना हो तो नाम से ही काम चल जाए तो सही है ना, नहीं तो फिर नाम, लक्षण, परीक्षा, बहुत सारी चीजें हैं, तो उन सब में कौन सी सामग्री लगेगी? विशेष सामग्री। तभी तो यह प्रमाण है और यह अप्रमाण है, इसका निर्णय होगा। इससे बात सिद्ध हो गई कि प्रमाण की प्रमाणता और प्रमाण की अप्रमाणता दोनों ही कैसे होती हैं, परता ही होती हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई पक्की, 10 मिनट बचे हैं, एक पैराग्राफ और हो जाएगा, सरल है एकदम, क्योंकि अब कुछ खास बचा नहीं जाता। एवं अपि अप्रामाण्यम परतः प्रामाण्यम तु स्वतः इति, अभी वो बाद में बोलेंगे, क्या बोले, एवं अपि अप्रामाण्यम परतः, कोई ऐसा मानते ना, अप्रमाणता कैसे होती है, परतः, प्रामाण्यम तु स्वतः, और प्रमाणता स्वतः होती है, कौन मानते हैं सब, कौन मानते हैं? अरे मीमांसक मानते हैं, कहां चले जाते हो तुम लोग, उन्हीं की तो बात चल रही है, एक ही तो है मीमांसक जो अपने आप को मानते हैं लेकिन है नहीं। ठीक है, कह दिया नाते मीमांसक का, वो मीमांसक नहीं है, तो क्या मानते हैं, अप्रमाणता तो परता होती है और प्रमाणता स्वतः होती है। ठीक है, तो उनके लिए क्या जवाब दे रहे हैं, एक बार फिर से सेंटेंस पकड़ लो अच्छे से, माने वो कह रहे हैं अप्रमाणता तो परता होती है और प्रमाणता तो स्वतः होती है, तो कहते हैं ना, क्या बोले, ना वक्तव्यम, नहीं बोलना चाहिए, क्या बोले,
पहले संस्कृत में बोलो, जोर से बोलो, मतलब नहीं बोलना चाहिए। ये जो आपने कही ये बात नहीं बोलना चाहिए। क्यों? विपर्ययेपि समानत्वात्, ये तो विपरीत दिशा में भी समान है। विपरीत दिशा में भी समान है का मतलब हम इसका उल्टा बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ये देखो यहां लिखा ही है, शक्यम ही वक्तुम, ऐसा भी बोल सकते हैं। शक्यम माने सकते हैं, ही माने वास्तव में, वक्तुम माने बोलना। तो ऐसा भी बोल सकते हैं। कैसा? अप्रामाण्यम स्वतः प्रामाण्यम तु परतरति, कि अप्रमाणता कैसे होती है? वहां देखो ना क्या लिखा है, हिंदी में भी बोल रहे, संस्कृत में भी पढ़ रहे, तुम इंग्लिश में बोलते हो। क्या लिखा है यहां? अप्रामाण्यम कहां लिखा? लिखा है कौन से नंबर की लाइन में? ढूंढ लो, 1 रुपया मिलेगा। तो 1 रुपया तो आजकल भिखारी को भी नहीं मिलता, हमें 1 रुपया दोगे? इससे अच्छे तो जगदीश जी थे, कम से कम 10 रुपया देते थे। हैं? चलो ढूंढ लिया, कौन सी लाइन में? पहली के दूसरी? अब वो तो बता ही नहीं पा रहा जिसको 1 रुपया मिलता। चलो छोड़ो, उन्होंने ऊपर वाली लाइन में क्या कहा था कि अप्रमाणता परता और प्रमाणता स्वतः। तो कहते हैं आप ऐसे मनगढ़ंत तो कुछ भी बोलते हो, तो हम इसका हम उल्टा भी बोल सकते हैं। कैसा? कि अप्रमाणता स्वतः और प्रमाणता परता, ऐसा भी बोल सकते हैं। ऐसे बोलने से काम नहीं होता है, सिद्ध करके बताओ। व्हाट इज द प्रूफ? क्या प्रूफ है? यदि प्रूव कर सकते हो तो आई विल एक्सेप्ट, आई विल एक्सेप्ट, अदरवाइज। फिर तो गड़बड़ चले, काम नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए कहा शक्यम ही वक्तुम अप्रामाण्यम स्वतः प्रामाण्यम तू परतः, ऐसा भी कह सकते हैं। इसलिए ये सब छोड़ो मजाक, ये फालतू बात मत करो। जो मैं कह रहा हूं वो स्वीकार कर लो, क्योंकि क्लियर है कि कोई भी काम, दो काम है, कितने काम है? एक कौन सा है? अब पुराने पहुंच जाओ, नहीं तो यहीं कहीं अटके रहो। एक है प्रमाणता, एक है प्रमाण और दूसरी है प्रमाणता। कितने काम? दो काम। अब फ्लैशबैक में पीछे पहुंचना है, नहीं तो यहीं अटक जाओ। दो उंगलियां कई काम करती हैं, ठीक है? बहुत से काम किए इधर की दो उंगलियों ने, तो लगभग वही वही काम किया। तो प्रमाण और प्रमाणता कितने काम? दो काम। जब दो काम हैं तो उसके लिए कारण कितने चाहिए? दो ही चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। तो क्लियर मान लो ना, प्रमाण की जो प्रमाण है वह प्रामाण्य, जो प्रमाण है वह परता। क्या हुआ? प्रमाण है वह स्वतः और प्रामाण्य है वह परता। क्योंकि दो काम है तो दो काम के लिए एक ज्ञान सामान्य सामग्री चाहिए जिससे प्रमाण होगा, और ज्ञान विशेष सामग्री से प्रमाणता होगी। ज्ञान सामान्य सामग्री कारण से प्रमाण होगा और ज्ञान विशेष सामग्री से प्रमाणता होगी। तो कैसे हुई प्रमाणता परता हुई? ऐसी अप्रमाणता जो होगी वह अप्रमाणता भी परता ही होगी। इतना क्लियर हो गया तो ऐसा ही मान लो कि प्रमाणता भी परता और अप्रमाणता भी। देखो ऐसा कहा है यहीं पर आगे, तस्मात अप्रामाण्यवत प्रामाण्यमपि परतः एव उत्पद्यते। क्या बोले? अप्रमाण के समान, अप्रामाण्य के समान। देखो तस्मात माने इसलिए, तस्मात माने इसलिए, अप्रामाण्यवत
अप्रामाण्यवत, माने वत माने होता है समान के अर्थ में, तो अप्रमाणता के समान प्रामाण्यम अपि परतः एव उत्पद्यते, प्रमाणता भी परतः ही उत्पन्न होती है। माने अप्रमाणता भी परतः और प्रमाणता भी परतः। अब उदाहरण दिया, ये उदाहरण तो अपन ले चुके यहां, ठीक है, वस्त्र वाला उदाहरण यहीं दिया है, वो यहीं का अपन ने पहले ले लिया। ना ही पट सामान्य सामग्री रक्त पटे हेतु, ना ही पट सामान्य सामग्री, पट माने वस्त्र, जो वस्त्र सामान्य सामग्री है, क्या उस वस्त्र सामान्य सामग्री से ही लाल वस्त्र बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो लाल वस्त्र बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? विशेष सामग्री चाहिए। पट तो सामान्य सामग्री है, और लाल वस्त्र बनेगा तो विशेष सामग्री लगेगी, लाल रंग, लाल रंग लगेगा। दो काम है ना, पट सामान्य के लिए पट सामान्य सामग्री एक कारण, और लाल रंग का वस्त्र बनाने के लिए लाल रंग दूसरा कारण। तो कहते हैं ना ही पट सामान्य सामग्री रक्त पटे हेतु, तद्वत तद्वत ना ज्ञान सामान्य सामग्री प्रमाण ज्ञाने हेतु। कहते हैं उसी के समान ना ज्ञान सामान्य सामग्री, मात्र ज्ञान सामान्य सामग्री किसमें कारण नहीं है? प्रमाण ज्ञान में। तो क्या चाहिए प्रमाण ज्ञान में? कौन सी सामग्री चाहिए? ज्ञान विशेष सामग्री चाहिए, ठीक है। तद्वत ना ज्ञान सामान्य सामग्री प्रमाण ज्ञाने हेतु भिन्न कार्य यो भिन्न कारण प्रहवत्व अवश्यम अवश्यम भावादिति। कहते हैं भिन्न कार्यो, भिन्न कार्यो माने भिन्न कारण, दो कारण है ना, भिन्न कार्य दो कार्य है ना, भिन्न एक प्रमाण है और एक प्रमाणता। तो भिन्न कार्यों के लिए भिन्न कारण प्रहवत्व अवश्यम भावादिति, के भिन्न कारण ही चाहिए, अवश्यम भावात अवश्य ही चाहिए, नहीं तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। दो कार्य तो दो कारण, दो कार्य तो दो कारण, दो कार्य कौन से? प्रमाण प्रामाण्य। कारण कौन से? ज्ञान सामान्य सामग्री, ज्ञान विशेष सामग्री। इससे सिद्ध हो गया कि प्रमाण की प्रमाणता तो कैसे होती है? परता होती है। यह बात सिद्ध हो गई, ठीक है। मुझे लगता है कि अब तो क्लियर हो गई होगी कहानी, ठीक है। समय अपना हो चुका है, अब इसमें थोड़ा सा जो भी आवश्यक लगेगा उसकी चर्चा करके फिर एक और नए विषय की शुरुआत। कौन सा? ये जो प्रमाण की जो प्रमाणता तो बता दी कि परता होती है, लेकिन उसकी जो ज्ञप्ति है वह कैसे होती है? पहले तो ये समझना पड़ेगा द मीनिंग ऑफ ज्ञप्ति। ज्ञप्ति मतलब क्या, एक बात, फिर इसके बाद उसकी ज्ञप्ति कैसे होती है, स्वतः होती है कि परता होती है, स्वतः होती है तो कैसे, परता होती है तो कैसे, इस तरह की थोड़ी लंबी कहानी और चलेगी, ठीक है, थोड़ी लंबी चलेगी, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये चर्चा अपन आगे करेंगे, अभी समय हो गया।
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी सहजानंदी गुरु भाई।